दोस्तों, इस धरती पर मौजूद जानवरों में से एक विशेष समूह मौजूद है जिसके पास एक छिपा हुआ हथियार है और वो है जहर। ये वो जानवर हैं जिन्हें जहरीला जानवर कहा जाता है। ये एक शक्तिशाली खतरनाक जहर पैदा करते हैं जो कि किसी भी जीव को लगने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस जहर के अलग अलग प्रभाव हो सकते हैं जो सभी पीड़ितों के शरीर पर कहर बरसा सकते हैं और इसीलिए इन जानवरों को पहचानना बहुत ज़रूरी है जो जहरीले होते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही जहरीले प्राणियों से मिलाने वाला हूं जिसके जहर की एक बूंद कई लोगों को मौत के घाट उतार सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, इनलैंड ताइपान। दोस्तों, इनलैंड ताइपान का नाम भी दुनिया के सबसे जहरीले सांपों की लिस्ट में शामिल है। ये सांप ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है जिसका जहर भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सांप अपने जहर से लगभग 100 लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। ये सांप इतना ज़्यादा जहरीला होता है कि इससे न्यूरोटॉक्सिन, हीमोटॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन और नेफ्रोटॉक्सिन का असर भी देखने को मिलता है। कहा जाता है कि इसके काटने से खून, दिमाग, मसल्स और किडनी पर एक साथ बहुत ही तेज़ी से असर पड़ने लगता है और धीरे धीरे ये शरीर के सभी अंगों को खराब कर देता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये सांप बहुत ही मुश्किल से इंसानों के आसपास आते हैं। नंबर 9, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। दोस्तों, जब भी बारिश का मौसम आता है तो ये मेंढक हमें उछल कूद करते हुए दिखाई दे जाते हैं जो बहुत ही सामान्य होते हैं। लेकिन ये मेंढक दिखने में चमकीला, लाल, नीला और काला होता है और ये जितना ज़्यादा रंगीन होता है उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है इसका जहर। आपको बता दूँ कि ये मेंढक दुनिया का सबसे जहरीला मेंढक है। ये मेंढक इतना ज़्यादा जहरीला होता है कि इसे अपने शिकार को काटने की भी ज़रूरत नहीं होती, यानी अगर आपने इसे गलती से भी छू लिया तो आपकी जान भी जा सकती है। ये मेंढक अपने रंग बिरंगे कलर की वजह से ही दूसरे जीवों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण जब भी कोई शिकारी इसके करीब आता है तो वो खुद इसका शिकार बन जाता है। नंबर 8, मैक्सिकन बेडेड लिजर्ट। दोस्तों, ये लिजर्ट मैक्सिको और ग्वाटेमाला के वुडलैंड में पाए जाते हैं। अगर बात करें इसके वज़न की तो इसका वज़न लगभग 1 किलो के आसपास होता है। ये लिजर्ट हम इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं। आमतौर पर जो लिजर्ट होते हैं वो जहरीले नहीं होते, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दुनिया में लिजर्ट की लगभग 3000 प्रजातियाँ पाई जाती है, जिसमें से 2 प्रजातियाँ बहुत ही जहरीली होती है, जिसमें मैक्सिकन बेडेड लिजर्ट और गिला मॉन्स्टर लिजर्ट का नाम शामिल है। और इसमें मैक्सिकन बेडेड लिजर्ट का नाम सबसे ऊपर आता है। इसका मतलब ये है कि इसके जहर से इंसान और दूसरे जानवरों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ये लिजर्ट अपने लोअर जॉ ग्रंथि में एक पॉइजनर सीरम इकट्ठा करते हैं जिसका इस्तेमाल ये खतरा महसूस होने पर कर देते हैं। कहा जाता है कि ये छिपकली इंसानों पर जल्दी हमला नहीं करती, और अगर करती भी है तो उससे मरने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद इससे दूरी बनाए रखने में ही अपनी भलाई है। नंबर 7, इंडियन रेड स्कॉर्पियन। दोस्तों, ये बिच्छू भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में पाया जाता है। इस लाल बिच्छू का जहर इतना खतरनाक होता है कि इसके एक डंक से ही उल्टी, सूजन और बेहोशी आने लगती है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि इस बिच्छू का जहर जितना खतरनाक होता है उतना ही काम का भी होता है। वो इसलिए कि इसके जहर से कई तरह की दवाइयों का निर्माण किया जाता है जिसका इस्तेमाल कैंसर, मलेरिया और दूसरी गंभीर बीमारियों का इलाज करने में किया जाता है। नंबर 6, स्लो लॉरेस। दोस्तों, ये जीव बहुत ही छोटा और प्यारा होता है जो देखने में भोला
और शांत लगता है, लेकिन असल में ये बहुत ही खतरनाक होता है। वो इसलिए क्योंकि ये जानवर दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों में से एक है। अगर इस जानवर ने किसी को काट लिया और समय रहते उसे इलाज ना मिले तो उसकी जान बचाना बहुत मुश्किल होता है, और हमेशा इन जानवरों का शिकार वो ही लोग बनते हैं जो इनकी मासूमियत और भोलेपन को देखकर इनके पास चले जाते हैं और इन्हें पालने की गलती कर बैठते हैं। ये छोटा सा जीव रात के अंधेरे में भी बहुत अच्छे से देख सकता है और हमेशा पेड़ों पर ही पाया जाता है। इनकी लंबाई 8 से 10 इंच के बीच होती है, और अगर बात करें इनके भोजन की तो ये कीड़े मकोड़ों के साथ साथ फल और सब्जियां भी खा लेते हैं। ये जीव चीन, फिलीपींस, श्रीलंका और इंडिया में भी पाए जाते हैं। नंबर 5, कोन स्नेल। दोस्तों, आप लोगों ने स्नेल यानी घोंघे को ज़रूर देखा होगा। वैसे तो ये हम इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इनकी एक प्रजाति ऐसी भी है जो इंसानों को मारने की शक्ति रखती है। ये 6 इंच के आकार वाला स्नेल 20 लोगों को एक साथ मारने की शक्ति रखता है। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये स्नेल कितना ज़्यादा खतरनाक है। ये स्नेल देखने में बिल्कुल किसी कोन की तरह होता है, और इसलिए इसका नाम कोन स्नेल पड़ गया। आपको बता दूं कि इस स्नेल को सिगरेट स्नेल के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि जितने देर में एक सिगरेट खत्म होती है उतने ही देर में ये अपने शिकार को भी मार डालता है। ये स्नेल अक्सर समुद्र के किनारे आसानी से मिल जाते हैं, और खतरा महसूस होने पर ही ये हमला करते हैं। नंबर 4, हार्वेस्टर एंट। दोस्तों, ये चींटी एक ऐसी चींटी है जिसके काटने का दर्द मधुमक्खी के काटने के दर्द से भी 20 गुना ज़्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि अगर इस चींटियों की कॉलोनी ने किसी इंसान पर हमला कर दिया तो उस इंसान की मौत भी हो सकती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि इस चींटी का जहर कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। आपको बता दूँ कि इसके काटने से इतना ज़्यादा दर्द होता है कि मानो जान ही निकल गई हो, और शायद इसीलिए इसे दुनिया की सबसे जहरीली चींटियों के रूप में जाना जाता है। नंबर 3, सी वैस्प जेलीफिश। दोस्तों, समुद्र की गहराइयों में हमें तरह तरह की मछलियां देखने को मिलती है जो अलग अलग रंग रूप के साथ अलग अलग काबिलियत रखती है, जिसे देखकर ये कहना मुश्किल होता है कि ये मछली है या फिर कुछ और। अब ज़रा इस मछली पर नज़र डालिए जो देखने पर पानी में तैरते हुए किसी प्लास्टिक बैग की तरह दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक ऐसी मछली है जो बहुत ही जहरीली होती है और समुद्री दुनिया में शिकार करने के लिए जानी जाती है। इस मछली के पास किसी ऑक्टोपस की तरह 4 लंबे डेंटिकल्स होते हैं जो हमारे इंसानी शरीर को बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं, क्योंकि इनके डेंटिकल जहर छोड़ने में सक्षम होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके हमला करने के बाद विक्टिम को सही समय पर इलाज ना मिले तो उसकी मौत भी हो सकती है। नंबर 2, पफर फिश। दोस्तों, इस मछली के शरीर में बहुत से कांटे निकले होते हैं जो इसे बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। ये एक ऐसी मछली है जो दिखने में कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन ये दुनिया की सबसे जहरीली मछलियों में से एक है। आपको बता दूं कि इस मछली का जहर साइनाइड से भी 1200 गुना ज़्यादा तेज़ होता है, और इसी वजह से इस मछली के कारण हर साल लगभग 100 लोगों की जान चली जाती है। जब ये मछली किसी इंसान को काटती है तो वो इंसान पैरालाइज हो जाता है, और समय रहते ही उसे इलाज ना मिले तो उस इंसान की मौत भी हो सकती है। ये मछली जापान, फिलीपींस और मेक्सिको जैसे देशों में पाई जाती है। इस मछली के इतने जहरीले होने के बावजूद भी जापान के लोग इस मछली को बड़े मज़े से खाते हैं। नंबर 1, स्टोनफिश। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये मछली बिल्कुल किसी पत्थर की तरह दिखाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने आप को
किसी भी माहौल के हिसाब से ढाल लेती है। अगर बात करें इसके वजन की तो इस मछली का वजन 2 किलो के आसपास होता है और इसका आकार 20 इंच के आसपास होता है। समुद्र में पाए जाने वाली ये मछली 20 सालों तक जीवित रहती है और इसकी 5 दूसरी प्रजातियां भी दुनिया भर में पाई जाती है। अगर किसी इंसान का पैर इसके ऊपर पड़ता है तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि जितना वजन इसके शरीर पर पड़ता है उतना ही जहर ये मछली रिलीज करती है। अपने कांटों की मदद से ये मछली जो जहर निकालती है वो इतना घातक होता है कि आपको अपना पैर भी गंवाना पड़ सकता है। इसके काटने की स्पीड एक पलक झपकने के बराबर होती है और यही कारण है कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक और जहरीली मछलियों के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।